जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जनपद हापुड़ के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दो बच्चों का कानून बनाने की मांग का समर्थन लेने के लिए हापुड़ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक गोयल से मिला और एक ज्ञापन दिया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन हापुड़ की टीम कांग्रेस के नगर अध्यक्ष अभिषेक गोयल के आवास पर बुधवार को पहुंची और देश में दो बच्चों के कानून के लिए समर्थन की मांग की और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नगर अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। बढ़ती आबादी के कारण जो सुविधाएं देश के लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। आपने जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन को प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज देंगे। फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र गुर्जर ने कहा कि देश हित में आपके इस समर्थन का फाउंडेशन धन्यवाद करता है। फाउंडेशन की टीम में राजेंद्र गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव ईश्वर कुमारी सिसोदिया, राष्ट्रीय सचिव महिला विंग सुंदर कुमार आर्य, जिलाध्यक्ष शशि गोयल, जिलाध्यक्ष महिला विंग अनिल कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष सुधांशु गोयल, जिला महासचिव ओम प्रकाश एवं कटार सिंह गुर्जर, मधुर गुप्ता, जिला महासचिव महिला विंग आदि उपस्थित रहे। विषय नहीं है, ये देश के हित में विषय है कि आपस में किस तरीके से समन्वय बनाकर ये ध्यान में रखा जाए कि जो हमारे देश के का भविष्य है, नौनिहाल है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई को पूर्ण करते हुए इस स्थिति में आ जाए कि देश के लिए कहीं कुछ कर सकें। उसके लिए हमें जनसंख्या कानून को लाना बहुत जरूरी है। ये हम ज्ञापन जो दे रहे हैं आपको, आप अपने माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजें, हम ऐसा आपसे अनुरोध करते हैं। देखिए, जितने भी विषय जिस जनपद में होते हैं उसमें मैं रोज ज्ञापन देने का काम करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को और कलेक्टर साहब। रेट के ऊपर भी मैं लगातार पेट्रोल डीजल या कोई भी मुद्दा ऐसा होता है तो इस मुद्दे का भी वाजिब की बात है कि मैं इसका ज्ञापन आप लोगों के पूर्ण समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने का। बहुत बहुत फाउंडेशन आपके आश्वासन का हार्दिक अभिनंदन करती है, आभार व्यक्त करती है और आशा करती है आप अपने वक्तव्य के अनुसार जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के साथ सदैव खड़े रहेंगे। जय भारत, जय हिंद। जनसंख्या नियंत्रण कानून में हम आपका समर्थन चाहते हैं, आपकी क्या राय है? देश में जो हालात है, लगातार देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और देश की जनसंख्या बढ़ने की वजह से वो सुविधाएं जो आम जन को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है कहीं ना कहीं। तो मैं आपके इस कानून का और आपकी संस्था का समर्थन करते हुए बिल्कुल ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ जैसी भी मेरी जरूरत पड़ेगी आपके साथ खड़ा हूं। आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हापुड़ से, तो हम इस उम्मीद को लेकर के रेट के ऊपर भी मैं लगातार पेट्रोल डीजल या कोई भी मुद्दा ऐसा होता है तो इस मुद्दे का भी वाजिब की